अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट क्या। तो दोस्तों क्या 40-45 की जीत पक्की? जी हाँ दोस्तों, इस पर बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम टीम रिजवान अंसारी की तरफ से जो अपडेट्स आई उसको भी देखेंगे। और दोस्तों बात होगी आपकी कि दिवाली से पहले आपको पता चल जाएगा कि किसकी होगी जीत। ठीक है दोस्तों, जीत किसकी होगी आप लोग को डेफिनेटली ये पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए अब अगली सुनवाई में आपके 60 पैसे टीम का या आपका ये तो सरकारी पक्ष का आपका सबमिशन कंप्लीट होगा। दोस्तों वैसे तो आपको 50% डिसीजन या आप कह सकते 80% डिसीजन उसी दिन पता चल जाएगा आखिर जीत क्या हो रही, क्योंकि देखिए मेन बात होती है एविडेंस। तो उन्होंने क्या सबूत या किस बेस पर दोस्तों 60-65 को जिताने की बात कहेंगे उस दिन दोस्तों फाइनल हो जाएगा और सबकी बातचीत कंप्लीट होगी। और दोस्तों सभी डेटा आपके पास रहेंगे। तो दोस्तों आपकी जो शिक्षक भर्ती ये बिल्कुल अंतिम दौर में है। जी हाँ दोस्तों, आपके डबल बेंच से ये शिक्षक भर्ती हम कह सकते हैं बिल्कुल अंतिम दौर में। तो इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तभी आप लोग फाइनल कट आपको बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकते हैं। और जो ये खबर चल रही है कि क्या 40-45 की जीत पक्की है या 60-65 की जीत होगी उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं टीम रिजवान के अपडेट क्या, उसको पहले देखते हैं। न्यायिक युद्ध का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है। 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पासिंग मार्क इशू टीम रिजवान अंसारी। देखिए दोस्तों दशहरा के लंबे अवकाश के बाद न्यायालय आज अपने नियत समय पर फिर से खुल गया है। इस लंबे में अवकाश में न जाने कितनी अफवाहें आई, न जाने कितने ऑर्डर जजमेंट वायरल हुए, न जाने कितनी ज्ञानचंद पैदा हुए। इन सब का जवाब कोर्ट में गठर खुलने के बाद टीम बेहतरीन अंदाज में देने को उत्सुक है। 16 अक्टूबर बुधवार को अपने निर्धारित समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस कोर्ट नंबर 1 में सुना जाएगा। बुधवार के दिन हाई कोर्ट लखनऊ पीठ में फ्रेश केस नहीं सुने जाते हैं। 16 अक्टूबर की डेली कार्ड लिस्ट आ चुकी है, कल 15 अक्टूबर की शाम को एडिशनल केसों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी एडिशनल लिस्ट में पासिंग मार्क केस लिस्टेड होगा। बुधवार को सिर्फ डेली लिस्ट और एडिशनल लिस्ट में लिस्टेड केसों की सुनवाई होगी। पूरी उम्मीद है कि बुधवार को एक लंबे समय तक सुनवाई चलेगी। विपक्ष की तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर का सबमिशन बहस अभी आंशिक शेष है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी अपना सबमिशन पूर्ण करेंगे। इसके बाद दोस्तों विपक्ष का अवशेष सबमिशन कंप्लीट होगा। इतना सब हो जाने के बाद अपनी तरफ से वकीलों को मौका मिलना शुरू होगा। अपनी तरफ से सबसे पहले फायर ब्रांड सीनियर एडवोकेट उपेंद्र नाथ मिश्रा पक्ष रखना आर्गुमेंट करेंगे। इसके बाद अन्य अधिवक्तागण अपना सबमिशन पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों ये 40-45 टीम की बात है कि आप लोग का केस कैसे सब कुछ चलेगा। तो इसकी अपडेट दोस्तों हम आपको दे रहे हैं इस समय कि टीम रिजवान 40 और 45 को लेकर कितनी उत्सुक थे और क्या जीतेंगे या नहीं, इसको दोस्तों हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं इसको सुन लेते हैं पहले की पूरी अपडेट्स को। दिवाली के अवकाश के पूर्व इसका फैसला रिजर्व हो जाएगा। केस अधिकतम 5-6 वर्किंग डेज का शेष बचा है। 16, 17 और 18 अक्टूबर इस केस में लैंडमार्क डेज होंगे। इन्हीं दिनों में 40-45 केस की दिशा तय हो जाएगी। अभी आपको पुनः जागने का समय आ चुका है। 40-45 के सपोर्टर साथी नींद जाग कर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु अपनी अपनी सहभागिता दें। तो दोस्तों ऐसी टीम रिजवान अंसारी की टीम ने कहा है। अगर दोस्तों आपने हमारी पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखा होगा तो इस वीडियो को दोस्तों हम बात नहीं करें जब से आपकी डबल बेंच में सुनवाई शुरू हुई है। और अभी आज क्या हुआ देखिए, जब आपका एजी साहब का सबमिशन हुआ तो दोस्तों उन्होंने भी सिर्फ बात आपकी इसके लिए कही कि सरकार के पास पावर की बात कही गई उस दिन। और दोस्तों वहां पर योग्यता की बात को भी जोर देकर बल दिया गया कि भाई योग्य बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों सरकार की पावर को लेकर ज्यादा बातें कही गई कि सरकार जब चाहे पासिंग मार्क तय कर सकती है। लेकिन दोस्तों बात फिर नियम की दोस्तों बात आती है कि सरकार पासिंग मार्क कब तय कर सकती है, पेपर के पहले या पेपर के बाद में। देखिए दोस्तों जज साहब भी बीच बीच में उन्होंने भी काफी क्वेश्चन किए, जैसा कि दोस्तों ये पूछा गया आपने जो पासिंग मार्क योग्यता वाला रखा वो पहले क्यों नहीं रख दिया, एक दिन पहले रख सकते थे। तो दोस्तों मतलब बाद में रखने का कुछ आर्ग्यूमेंट अभी तक जो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा पूरी तरीके से जज साहब सहमत नहीं हुए कि जो आपका एक डेट में दोस्तों आपको पता है 6 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 6 के बाद ही आपका शासन आदेश जारी हुआ 7 तारीख को, 7 जनवरी 2019 को। तो दोस्तों ये बात हो रही है कि 6 तारीख से पहले या 6 तारीख को सुबह ही पेपर से पहले अगर ये दोस्तों हो जाता तो कम से कम बच्चों को पता तो होता कि वो भाई अब हमें 90 नंबर या 97 नंबर पासिंग मार्क लाने, उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो काफी बच्चे दोस्तों बहुत लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब सभी बच्चे 150 में से 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए नहीं होंगे, कुछ बच्चों ने सिर्फ 140 क्वेश्चन किया होगा या कुछ बच्चों ने 120 ही किया होगा।
तो 120 में 97 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अब आप ये सोच रहे होंगे यार 120 क्वेश्चन कुछ लोग अटेम्प्ट क्यों करते हैं, समय की दोस्तों पाबंदी होती, छूट जाता पेपर, क्योंकि देखिए सभी की स्पीड एक जैसी नहीं होती है। आप भी पढ़ चुके हैं बीटीसी और बीएड, तो आपको पता होगा कि आपके दोस्त और कैसे हैं, कितनी तेज हैं और उनको कितना नॉलेज है। जो बच्चे पढ़कर करते हैं उनको समय लगता है। छोड़िए सबकी बकवास की बातें दोस्तों, मेन बात आपकी आती है 69,000 शिक्षक भर्ती में फाइनल पासिंग मार्क क्या होगी और किस बेस पर दोस्तों आपको नौकरी दी जाएगी। देखिए दोस्तों फाइनल पासिंग मार्क को लेकर काफी बातें चल रही हैं, सभी टीम अपना अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। 40-45 सपोर्ट टीम दोस्तों हमेशा बोलती है 40-45 की ही जीत होगी। देखिए अपने टीम को हमेशा मोटिवेट करना भी आधी जीत होता है, और 60-65 की टीम दोस्तों काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। देखिए अभी तक दोस्तों सच्चाई बताएं, जितना मोटिवेटेड 60 और 65 के बच्चे हैं उसका 10% भी मोटिवेट आपके 40-45 के बच्चे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए 60 और 65 चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर जगह दोस्तों इनकी लहर है। एक तरह से दोस्तों कहा जाए अगर कल 60-65 जीत भी जाता है तो इसमें आप बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होंगे कि चलो 60-65 की जीत हो गई। अगर 40-45 की जीत होगी तो आप जरूर सरप्राइज होंगे, 40-45 कैसे जीत गया। लेकिन सच्चाई तो ये दोस्तों कि 60 और 65 कट ऑफ पर ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली 60 और 65 पर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, तो 50 से 60 हजार। तो दोस्तों बाकी के जो 3,40,000 या 3,50,000 बच्चे हैं वो 60-65 का मतलब ना तो सही से उसका सपोर्ट कर पा रहे ना 40-45 का। रीजन दोस्तों क्या है, देखिए दिक्कत ये आ रही दोस्तों कि अगर 40-45 जीतेगा भी ना तो जो बच्चों के 90-97 से कम नंबर है उनको नौकरी मिलना काफी हद तक मुश्किल रहेगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, 90-97 से कम नंबर है तो समझ लीजिए लगभग आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर हाँ आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित वर्गो से, रिजर्व कैटेगरी से, जैसे दोस्तों आपका ओबीसी है, इसमें भी दोस्तों भी आपका काम बन सकता है। एससी में तो बहुत ही आसानी से बन सकता है 40-45 में, और एसटी में भी दोस्तों आपको नौकरी मिल सकती है। ये दो कैटेगरी नीचे वाली ये तो भाई 99% तक दोस्तों ये नौकरी के इनके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ओबीसी में 70%। अब दोस्तों जनरल की बात करें तो हम जनरल में सिर्फ बोलेंगे तो 40% आपकी 40-45 में इन बच्चों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि जनरल में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जो शिक्षा मित्र रहेंगे तो उनको भाई अपनी सीट तो पहले रिजर्व कर लेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में दोस्तों दिक्कत होगी। और दोस्तों दीपावली से पहले आप लोग की हैप्पी दिवाली होगी, और कुछ बच्चों की यार दिवाली थोड़ी सी बुरी हो सकती है, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसकी हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आज की डेट में किसी बच्चे का 60 अंक का गुणांक बन रहा है, ठीक है ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपका 60 अंक का गुणांक है और 40-45 से जीत होती है, फिर आपको नौकरी मिलना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। अगर दोस्तों इसे उल्टा कहें कि अगर 60 अंक का आपका गुणांक बन रहा है और 60 और 65 की ही जीत होती है, तो आपको दोस्तों 99% तक नौकरी मिलने की संभावना है। तो सिंपल सी बात है यार कि जीत किसी की भी हो, अगर आपने मेहनत किया होगा दोस्तों, तो देखिए जो आपका फैसला आएगा डबल बेंच से या सिंगल बेंच से भी, आप उस समय जैसा भी आपने प्रूफ दिया, एविडेंस दिया, जो भी आप दे रहे हैं दोस्तों, जो सबमिशन हो रहा है उसके आधार पर दोस्तों फैसला आता है। सिंगल बेंच में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ नए आर्गुमेंट्स या कुछ नए तथ्य रखे जाते हैं कि हाँ इस बेस पर केस हमारा रखा गया इस बार, और इसमें 60-65 के बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, जीतना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे हैं दोस्तों, इनकी जिंदगियां खराब होगी, तो उस बेस पर दोस्तों आपके 60-65 का जीत हो सकता है। अब बात आती है 40-45 को लेकर। देखिए 40-45 का पक्ष कोई ज्यादा मजबूत नहीं रहता है हमेशा, लेकिन जीत वो इसलिए भी जाती है दोस्तों, इनकी टीम अधिकतर इसलिए जीतती है क्योंकि जो आपका 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी दोस्तों, सबसे बड़ा पावर तो इनका ये हो जाता है कि इसको पार्ट 2, क्योंकि पहले से ही दोस्तों ये घोषित था आपका जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन है वो 2 पार्ट में होगा आपका। तो दोस्तों 2 पार्ट में होगा तो मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका पहले में लॉजिक लॉजिक लगेगा ना फर्स्ट में, वो सेकंड में भी दोस्तों लगेगा। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर आप लोग पहले में शिक्षा मित्रों को 25 अंक का 12 अंक दिए, लेकिन दोस्तों 69,000 में बात हो रही, काफी बच्चों का आपको पता होगा कि शिक्षा मित्रों के 12 अंक को लेकर भी केस है कि इनको 12 अंक नहीं मिलना चाहिए। अगर ये 12 अंक आपको दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से हटेगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये आपके 40-45 के हिसाब से 68,500 शिक्षक भर्ती में भी उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा जाएगा। तो एक साथ दोस्तों या तो दोनों जगह 12 अंक हटेगा या कहीं नहीं हटेगा। तो ये सब दोस्तों दिक्कतें होती हैं, जो एक बार मिल जाता है तो उसको चेंज करना तकरीबन नामुमकिन सा होता है। और आपको तो पता ही यार, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया शिक्षा मित्रों को 12 है, तो ये तो हटने का कोई चांस ही नहीं बनता। और आपको बता दें दोस्तों, जो बीएड को लेकर काफी बातें हो रही है कि बीएड बाहर होगा या नहीं, तो फिलहाल दोस्तों बीएड को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, वो बाहर नहीं होगा क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अब तो आज के डेट में कोई डीएलएड को पूछ भी नहीं रहा, सच्चाई तो यही आ गई दोस्तों। डीएलएड में सीटें 50,000 खाली चली जाती है, क्योंकि अब सभी को पता है अगले साल देखिए बीएड में बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा हो जाएगा ना, जैसे अभी तक दोस्तों आप लोग नीट का पेपर देते होंगे ना,
डॉक्टर बनने के लिए आईआईटी का पेपर देते होंगे, इंजीनियर बनने के लिए, वैसे बच्चे अब बीएड का पेपर देंगे टीचर बनने के लिए। डेफिनेटली दोस्तों देंगे यार, क्योंकि सबको पता है कि हम टीचर तभी अच्छे बन सकते हैं जहां हमारे पास दो मौके होंगे, तो वो हम चुनेंगे। क्यों हम डीएलएड चुने? हम बीएड चुन के भी दोस्तों डीएलएड वाली नौकरी ले सकते हैं, बीएड वाली भी ले सकते हैं। डीएलएड करके हमको कौन सा तीर मार लेंगे? सभी बच्चे, काफी बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सबको अच्छे से पता है कि यार अभी जो 40-45 हजार वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बीटीसी और जो डीएलएड के बच्चे हैं वो देखते रह जाएंगे, और बीएड के बच्चे वहां भी अपना हाथ मारेंगे और नौकरी लेकर जाएंगे। सिंपल सी बात है। कम से कम दोस्तों इनको मौका तो देना चाहिए डीएलएड के बच्चों को, भले जो होगा देखा जाएगा, कोई 6 महीने के इनको भी कोर्स करा दिया जाए, जैसे बीएड के बच्चों को ब्रिज कोर्स का नाम दिया गया, तो वैसे इनको भी कोई कोर्स कराकर इनका मामला आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिए कि हाँ भाई जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए और उनको भी फायदा पहुंचाया जाए। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, सब ये दोस्तों अपनी अपनी टीम की पक्ष के दोस्तों, सभी लोग अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ चाहे 40-45 की बात रखी जाए या 60-65 की, दोस्तों सभी टीम अपने आप को मजबूत बताते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ बात होती है मेन मोटिवेशन की, तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और दोस्तों जैसा आप सोचते हैं हमेशा वैसा होता है, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट।